हेलो दोस्तों, अगले वीडियो में आपका स्वागत है जो कि ये वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड वीडियो है मेरे चैनल पर, क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे थे कि मोबाइल को सेटअप बॉक्स हो या टीवी का हो, उसको रिमोट जैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मोबाइल में अगर IR ब्लास्टर है तो ही आप इस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं रिमोट जैसे एप्लीकेशन इंस्टॉल करके। मैंने एक वीडियो भी बनाया है, अगर आपने नहीं देखा हो तो लिंक दे देता हूं, आप देख सकते हैं उस वीडियो को। अगर आपके मोबाइल में IR ब्लास्टर नहीं है फिर भी आप इसको रिमोट बनाना चाहते हैं तो इसके लिए है पेश है ये डिवाइस। तो इस डिवाइस, इस चीज़ से आप इसको रिमोट बना सकते हैं, सिर्फ टीवी के ही नहीं लेकिन AC का हो या सेटअप बॉक्स का हो, कुछ भी हो, इसका आप रिमोट बना सकते हैं। तो ये आप देख सकते हैं कितना छोटा डिवाइस है। तो आप इसको 3.5 mm हेड जैक पर कनेक्ट करेंगे, मतलब जहाँ आप हेडफोन कनेक्ट करते हैं वहाँ पर आप इस चीज़ को ऐसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर IR ब्लास्टर आपको दिखाई दे रहा है। तो और ये चीज़ भी बहुत इंटरेस्टिंग से बना हुआ है, जैसे कि आप देख सकते हैं PT का फिगर भी है, तो देखने में भी बहुत अच्छा है। तो उसके बाद क्या करेंगे, आप मोबाइल में प्ले स्टोर पर जाकर यहाँ पर TASOGO स्मार्ट रिमोट को आप डाउनलोड करेंगे। TASOGO स्मार्ट रिमोट अगर आपको दिखाई दे रहा है तो TASOGO स्मार्ट रिमोट को, क्योंकि मैं इंस्टॉल कर चुका हूँ, तो इंस्टॉल करने के बाद आप ओपन दबाइए इसको। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले यूज़र टेस्टिंग के लिए लिया जाएगा, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं। तो आप वहाँ टेस्ट करके प्रेस, सर्च टेस्ट करके प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर डिवाइस, कौन सा डिवाइस आप टेस्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर टेलीविज़न तो टेलीविज़न, सेटअप बॉक्स तो STB है, सेटअप बॉक्स का आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जाने के बाद आपको सिग्नल टाइप TV का है डायरेक्ट या फिर उसका सेपरेट बॉक्स है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो कोई आप ऐसे टेस्टिंग के लिए चेक करना चाहते हैं तो पावर बटन रखेंगे तो आप टेस्ट कर सकते हैं कि ऑन हो रहा है कि नहीं। तो वहाँ पर पावर सेलेक्ट करने के बाद सर्च दबा दीजिए तो अपने आप वो टेस्ट करता जाएगा। ये याद रखिए, ये सेटअप बॉक्स को ऐसे पॉइंट आउट होना चाहिए तो टेस्ट करता जाएगा वो। अगर आपने कुछ वहाँ चेंजेस होते हुए देखा, अगर पावर ऑन या ऑफ हुआ तो आप पॉज करके उस नंबर को याद रख के आप ऐड कर सकते हैं। ये सब फर्स्ट टाइम के लिए है, अगर फर्स्ट टाइम आप इसको रेडी करके रखेंगे तो नेक्स्ट टाइम के लिए सिर्फ डिवाइस अटैच करके रिमोट जैसा यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं, डिटेल टेस्ट में जाएंगे तो सब रिमोट इसका बटन्स मिल जाएगा आपका रिमोट जैसा। तो यहाँ पर आप सब बटन्स टेस्ट हो रहा है कि नहीं आप वो भी देख सकते हैं। तो उसके बाद आप एग्ज़िट कर दीजिए। एग्ज़िट करने के बाद आपको यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा, जैसे कि एक डिवाइस TV का ऐड किया हूँ वहाँ पर लिस्टिंग में आ जाएगा। तो बहुत आसान है दोस्तों, अगर ये डिवाइस आप ख़रीदना चाहते हैं तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक में डायरेक्ट लिंक दे देता हूँ, नहीं तो मेरा कॉन्टैक्ट भी देता हूँ, आप मेरे से ये डिवाइस ले सकते हैं। तो ये बहुत ही कम दाम में सेल हो रहा है, अगर आपको चाहिए तो यहाँ से मैं डायरेक्ट आपको भेज देता हूँ ये डिवाइस। तो आशा करता हूँ ये वीडियो यूज़फुल रहा होगा, अगर है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और इंटरेस्टिंग वीडियो लाऊंगा, यूज़फुल कंटेंट्स देते आया हूँ मैं इस चैनल पर। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, आपके फ्रेंड्स को भी आप इस डिवाइस के बारे में बताना चाहते हैं तो आप ज़रूर इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।